है, ये बात हम बच्चों से ज्यादा कोई भी अच्छे से नहीं समझ सकता। और अगर टीचर समझ सकते हैं तो सबसे बेस्ट। हम बच्चों को होमवर्क से छुटकारा मिल जाता। फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आ गए मम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप बैग दे दो मुझे, आप जाके फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है? ओके मम्मा। दीदी दीदी। हाँ दीदी, आपको आज मेरा होमवर्क करके देना ही होगा। होमवर्क? हाँ, मिस ने हमें 20-20 क्वेश्चन दिए जिसके आंसर इतने लंबे हैं। आपको सिर्फ 15-17 करना होगा। अच्छा, और तुम कितने करोगी? बाकी के 2-3 वो मैं ही कर लूंगी। अच्छा, होमवर्क तुम्हारा और 15-17 क्वेश्चन मैं करूं और बाकी के 2-3 तुम करो। कर दो ना दीदी, यस्टरडे का ऑनलाइन गेम आधा ही छूट गया था, अभी कंप्लीट करना है। ऑनलाइन गेम कंप्लीट करना जरूरी है तो होमवर्क खुद करो, मैं नहीं करूँगी। प्लीज कर दो ना दीदी। नहीं मतलब नहीं, मैं नहीं करूँगी। प्लीज दीदी प्लीज। नहीं तो जा दीदी, मैं भी नहीं करूँगी। टीचर रोज होमवर्क देती है, अगले दिन कहाँ चेक करेंगे। बाद में कर लूँगी, अभी तो ऑनलाइन गेम। बाय दीदी। तेरा कुछ नहीं हो सकता, बाय। अरे ये किसका फोन आ रहा है? गेम के बीच में डिस्टर्ब कर लिया। अच्छा नीला, हमारी क्लास की टॉपर। अच्छा उठा ही लेती हूँ। हेलो अनु, तूने अपना होमवर्क कर लिया? अरे नहीं कर रही, अभी बाद में कर लूँगी। वैसे भी कहाँ चेक करती है टीचर। यही बताने के लिए मैं तुझे फोन किया है। कल टीचर कंप्लीट होमवर्क चेक करने वाली है और जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ उसे अपने टेस्ट पेपर में बैठने नहीं देंगी और फिर पेरेंट्स को बुलाकर पूरे क्लास के सामने पनिश करेंगी। क्या? चल बाद में फोन करियो, दीदी से बात करनी है। दीदी। क्या हुआ? दीदी प्लीज, नीलम का फोन आया था, बोल रही थी कि कल क्लास में चेक करेंगी टीचर होमवर्क, प्लीज कर लो। अरे कहा ना मैंने मतलब नहीं। प्लीज ना दीदी। नो नेवर। हाँ जाओ, भाव मत खा। नहीं करना तो मत करो, मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन याद रखना दीदी, मैं भी आपको कोई भी काम नहीं करूंगी। मत करो। मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। मत कर। मैं आपके साथ वीडियो भी नहीं खेलूंगी। मत खेल। मैं आपको नई गेम का लिंक भी नहीं भेजूंगी। सोच लो दीदी, ये दुश्मनी बहुत लंबी चलेगी। कितने पत्थर दिले हैं दीदी, इतना पटाने की कोशिश करती हूं लेकिन पटती ही नहीं है। अरे 20 में से 17 18 कर लेती तो क्या हो जाता। मैं खुद ही कर लूंगी, उनसे बाद में निपट लूंगी। चलो बुक ले लेती हूँ। अनु बेटा। हाँ मम्मा। दूध पी लेना बेटा, इधर रख दिया। ओके मम्मा। कंप्लीट हो गया, अभी पढ़ लेती हूँ, अच्छे से याद हो जाएगा। अरे पढ़ते सो गई, ओढ़ी भी नहीं है। अभी तक इसने अपना बैग भी नहीं पैक किया। अरे अभी तक इस लड़की ने दूध भी नहीं पिया है। इस लड़की अब कुछ भी नहीं हो सकता। मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गए? हाँ मम्मी। मम्मी बहुत लेट हो गया, आज स्कूल जल्दी जाना है, मैं तैयार होती हूँ। गुड मॉर्निंग अनु। घर का सारा काम हो गया, अभी अनु का कमरा साफ कर लेती हूँ, वरना थक के आती होगी तो परेशान होगी। ये कैसी बुक पड़ी है? आयु आयु। हाँ मम्मा, क्या हुआ? ये किसकी बुक पड़ी है नीचे? दिखाओ। बाप रे, क्या हुआ? अरे मम्मा, ये तो अनु की वही बुक है जो वो रात भर बैठ के लिख रही थी अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। अब जब वो स्कूल जाएगी, जब टीचर्स का बुक चेक करेगी तो उन्हें बहुत चिल्लाएगी और साथ ही साथ उसको पनिश भी करेगी। अरे अब तो दे भी नहीं सकते, अब तक तो स्कूल में होमवर्क चेक भी हो गया होगा। मम्मा अब जब वो आएगी तो मैं बहुत गुस्सा करेगी। क्यों? क्योंकि मम्मा एक तो रात को जब उसने मुझे अपना होमवर्क करने को बोला तो मैंने उसका होमवर्क नहीं किया, और दूसरा मैंने उसका बैकपैक किया था और मैंने उसकी गिरी हुई बुक देखी ही नहीं। हे भगवान, तुम लोग को रोज नए नए पंगे रहते हैं। देखो तुम्हारे पापा भी नहीं है, अभी उसके गुस्से के आगे तुम खामोश रहना। देखो तुम्हारी छोटी बहन है। हाँ मम्मा। लेकिन तुम तो घर में ही अपनी नोटबुक भूल गई। वही तो दीदी, जब मैंने टीचर को बताया तो मुझे कहने लगे मुझे पनिशमेंट मिलेगा, जो अपना होमवर्क नहीं करता वो अपना बुक घर में भूलने का बहाना करता है। फिर और क्या, मैंने तो अपना होमवर्क किया था, लेकिन टीचर ये मानने को राजी ही नहीं थी। उन्होंने मुझे खड़ा करने को कह दिया और क्लास से होमवर्क के 20-20 क्वेश्चन पूछे। जब भी कोई आंसर नहीं करता तो मैं आंसर कर देती। पूछो क्यों? क्योंकि जब तुम सारी रात सारे 20 क्वेश्चन खुद लिख रही थी तो तुम्हें लिखते लिखते सब याद हो गए। करेक्ट दीदी। अच्छा हो आपने मेरा होमवर्क नहीं किया, नहीं तो मुझे कोई क्वेश्चन याद भी नहीं रहता और मिस मेरा यकीन ही नहीं करती कभी। हाँ दीदी, जब आपने मेरा होमवर्क नहीं किया तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा?